एक्चुअली 15 अगस्त के मौके पर हम बच्चों को जूस ड्रिंक की सप्लाई दे रहे हैं, और रमन चूँकि हॉस्पिटल में है तो इस वजह से पूरा परिवार खड़ा हो गया। अशोक ने और सूरज ने कुछ फितने जगाए थे जिसकी वजह से हमारी फैक्ट्री में स्ट्राइक पर चले गए थे लेबर्स, तो लेबर्स की शॉर्टेज हो गई थी। कुछ लेबर्स को इशिता ने कन्विंस किया, वो लोग तो वापस आ गए थे लेकिन फिर भी कम थे। तो हमने और जो हमारी डिफरेंट कम्युनिटीज़ की लेडीज़ को हमने जमा किया और हमारा पूरा परिवार खड़ा हो गया, तो वक्त पर हमने ऑर्डर तैयार करके ट्रक भेज दिया। मैंने बताया ना कि वो सबसे बड़ा तो यही कर रही है कि बच्चों को फ्री ड्रिंक्स वगैरह देगी और वहाँ पर एक्टिविटीज़ होंगी, और हम मतलब ये कि मुहिब्बे वतन या पेट्रोटिक होने के नाते ये सेवा कर रहे हैं लोगों की। और वो मैं चाहूँगी, उसके वो दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में तो मैंने बताया है कि क्या ज़रूरत थी, किस तरह से हमने ये मुल्क हासिल किया और फिर क्या हुआ और क्या होना चाहिए था, और उसके दूसरे पार्ट में मैंने ये पैगाम दिया है कि हम दो हमसाए हैं। ठीक है, हम एक साथ रहते थे तो लोगों को फील होता था, कुछ मुसलमानों को कुछ हिंदुओं को ये फील होता था कि हमारे रस्म व रिवाज, हमारे तहज़ीब व तमद्दुन मतलब कल्चर हमारा, ये सब चीज़ें डिफरेंट हैं, हम दो मुख्तलिफ कौमें हैं, हमें एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो मैंने उसमें पैगाम दिया है कि ठीक है, हमसाए भी तो डिफरेंट होते हैं, उनके अपने अपना तौर तरीके होते हैं, अपने अपने दस्तूर होते हैं, लेकिन एक दूसरे की गम और खुशी में शरीक होते हैं, और हम एक दूसरे का इस तरह से साथ दे सकते हैं जैसे दो अगर एक और एक हो तो 11 हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम अब भी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे दरमियान जो दूरियां हैं वो ख़त्म होनी चाहिए।